आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के 3 दिवसीय प्रथम सत्र का आज से आगाज हो गया है और सत्र के पहले दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सरकार की ओर से अब तक किए गए कार्यों को सदन पटल पर रखा। पर्यटन, खेल सहित तमाम क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों को लेकर राज्यपाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार को अब तक किए विशेष कार्यों का सम्मान भी मिला है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में वहां की जरूरतों के मुताबिक योजनाएं शुरू की गई। वहीं विपक्ष ने पहले दिन ही सदन में जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने सदन में महंगाई का मुद्दा उठाया। रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर अनुपमा रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहीं पर भी इस बढ़ती हुई महंगाई से जिससे आम जीवन का जो जन का जीवन है वो त्रस्त हो चुका है, उसका कोई जिक्र नहीं था। आज देखिए कि गैस सिलेंडर 970 रुपए पार हो गया है, पेट्रोल 97 और वहीं डीजल जो है 90 के पार हो गया है। इन सब वजह से लोगों का आम जीवन जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। महिलाओं के लिए घर चलाना, भोजन बनाना दुश्वार से दुश्वार हो रहा है। जो लोग काम पर जाते हैं वे कैसे जाएंगे जब इतना पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा। डीजल के दाम बढ़ने से जो और खाद्य पदार्थ हैं वो भी आसमान छू रहे हैं, तो जनता के लिए, आम जन के लिए तो कोई काम ही नहीं है। आपको बता दें कि सदन में पहले दिन धामी सरकार नए वित्तीय वर्ष के पहले 4 माह के लगभग 21,000 करोड़ रुपए का लेखा अनुदान पेश करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेखा अनुदान प्रस्तुत करेंगे। अगले दिनों की कार्यसूची के लिए मंगलवार शाम को फिर से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। सत्र के दौरान उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अध्यादेश और उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन अध्यादेश विधेयक के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट।